आज एक्सेल की क्लास में हम आपको बताएंगे वी लुकअप फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, एक ही शीट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी शीट में ब्लॉक नहीं है और जो पहली शीट है उसमें एम्प्लॉयज़ आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ब्लॉक, ईमेल आईडी सब दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें ब्लॉक निकालने हैं और ब्लॉक निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए, अगर हमें ब्लॉक निकालने हैं तो उसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों शीट में कोई भी एक हेडिंग सेम होनी चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ आईडी इसमें भी है और यहाँ भी है। तो जब दो एक ही शीट में दो रो दो हेडिंग सेम होंगी तभी हम वी लुकअप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब फार्मूला लगाते हैं इक्वल वी लुकअप ओपन ब्रैकेट। अब देखिए, एम्प्लॉयज़ आईडी को हम क्लिक कर लेंगे और एम्प्लॉयज़ आईडी को क्लिक करने के बाद एक कॉमा लगाएंगे और एक कॉमा लगाने के बाद इस पहली शीट पर आइए और पहली शीट के बाद हम इस पहली शीट को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए फिर एक कॉमा लगाएंगे और एक कॉमा लगाने के बाद अब आपको ये देखना है कि इस शीट में, सेकंड वाली शीट में हमें ब्लॉक निकालना है तो पहली वाली शीट में ब्लॉक कितने नंबर पर आता है। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, ब्लॉक चौथे नंबर पे है तो अब हम चार करवाएंगे, चार, फिर कॉमा लगा के फ्रेस करेंगे और उसके बाद हम टाइप करेंगे फॉल्स, एफ ए एल एस ई, फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट और टाइप करेंगे एंटर। आप देखिए, फिर स्वार पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद प्लस का साइन बनाएंगे और प्लस का साइन करने के बाद नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। आप देखिए, हमने वी लुकअप फार्मूला के द्वारा ब्लॉक को आसानी से निकाल लिया।